इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा। मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में पंजाब में। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते, मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो, ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा, मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारी टेस्ट। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं, मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो,